बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, इजी और स्पेशल जो है वो चिकन कढ़ाई की रेसिपी, वो है ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई। बहुत मज़े की होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। इसके अलावा भी चिकन कढ़ाई की बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप वो भी ज़रूर सर्च कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। तो रिक्वेस्ट यही है बनाने से पहले हमेशा की तरह के सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिले और इजी और स्पेशल रेसिपीज़ आपके लिए हम बनाते हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सी ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई जो है वो कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बाउल में जो है पानी डालेंगे, तकरीबन 2 लीटर मैंने पानी डाला है। 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच भर कर जो है वो सिरका डालेंगे, मिक्स करेंगे। यहाँ हम चिकन को जो है वो इस पानी के अंदर डाल देंगे। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे कवर करके जो है वो इसी तरह छोड़ देंगे। आधा घंटा तकरीबन जो है वो गुजर चुका है सिरके और नमक वाले पानी में हमारा मुर्गा, तो अब हम इसको निकाल कर साफ़ पानी से अच्छी तरह धोकर छलनी में जो है वो रखकर ड्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले 1.5 कप हम जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा कुकिंग ऑयल इस वक्त डालेंगे। अब ऑयल में डालेंगे अपना चिकन, चिकन बहुत अच्छी तरह ड्राई होना चाहिए। यहाँ 10 से 15 मिनट हो गए ऑयल में डीप फ्राई करते हुए हमने चिकन को, तो माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और जितना हमें चिकन कढ़ाई के लिए ज़रूरत है ना वो ऑयल हम रहने देंगे, बाकी हम इसमें इस वक्त ऑयल जो है वो निकाल लेते हैं। ऑयल हमने सारा निकाल लिया है, यहाँ इस वक्त डालेंगे 1 बड़ी चम्मच भर कर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास, और 1 चम्मच जो है वो नमक डाल देंगे इस वक्त। अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह जो है वो फ्राई करना है, यहाँ तक अच्छी तरह खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाए अदरक लहसुन की। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। बहुत अच्छी तरह जो है अदरक लहसुन के साथ और नमक के साथ हमारा चिकन जो है फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें, हल्दी पाउडर,
और ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह मसालों को जो है वो फ्राई करेंगे ऑयल के साथ। यहाँ हम 2 से 3 मिनट के लिए तमाम मसालों को भून लेंगे। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं मसालों के साथ भूनते हुए। यहाँ पर अच्छी तरह मसाले भून चुके हैं और हमारे पास एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसको हमने थोड़ा सा पानी डालकर जो है ब्लेंड कर लिया है, वो डालेंगे। यहाँ पे हमारे प्याज का पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, तो यहाँ हमने 3 अदद टमाटरों का पेस्ट बनाया था, सॉरी वो जो है वो हम आपको जो है वो शॉर्ट नहीं कर सके, तो वो डालकर हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखें आप, 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह जो है वो टमाटर का पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। अच्छी तरह टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम जो है उसे पका लेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी तरह जो है वो हमारी कढ़ाई जो है ऑलमोस्ट तैयार है। मसाला बहुत अच्छी तरह बन चुका है, ग्रेवी के साथ हमारी जो है वो कढ़ाई तैयार है। अभी आखिर में जो है वो कटी हुई कुछ हरी मिर्चें डालेंगे। तो यहाँ फाइनल हमारी जो है वो ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप इसे नान और चपाती के साथ जो है वो इंजॉय कर सकते हैं।